Yeah, this baby is doing very much good. She is doing really great. ये दो तीन तीन चार दिन के बाद है तो हम लोगों का आराम से ये वाला बेबी जो है ये आराम से वो फॉस्टर कर रहा है, आराम से फीड दे रहा है। देखो कितने मस्त सा फीड दे रहा है, तो इसको हम लोग आराम से फीड करवा सकते हैं। और यहाँ पे आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग फीड मिक्स में क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फीड मिक्स अगर आपको बनाना है तो आपको क्या क्या करना है, एक सीड मिक्स में, एक अच्छे सीड मिक्स में क्या क्या होना चाहिए। सो इसमें देख लीजिए आप, ब्रोकन कॉर्न है, भुट्टा बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, या फिर मेज़ है। देन दीज आर सम काइंड ऑफ दाल नोन एज हटका, एंड देन बाजरा इज़ देयर, देन माइलो इज़ देयर, एंड उसके बाद आपको दिखेगा कि ये वाला जो है ये व्हीट है, और साथ में कुछ है जौ। ये जो है ये दिस इज़ द विंटर सीड मिक्स फॉर माई बर्ड्स, मैं इनको देता हूँ। तो अभी देख लेते हैं इसमें इन लोगों का एक्शन क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में 20 किलो का बना लेता हूँ। दैट इज़ व्हीट का जो आपका कॉम्बिनेशन है, मैं व्हीट थोड़ा ज़्यादा खिलाता हूँ उनको, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं रहता है। यहाँ पे हम लोगों का जो वही मिलता है उसमें हम लोगों को, आपको जो करना है कि व्हीट का जो है उसका लेना है 25 किलो। उसके बाद दैट इज़ अराउंड 50% ऑफ योर सीड्स। देन 10 किलो ऑफ बाजरा, 10 किलो ऑफ हटका, एंड 5.5 किलो ऑफ माइलो। आपको दाल और वो जो सरसों टाइप का जो चीज़ है वो आपको बनाना है। दिस इज़ एक्चुअली मस्टर्ड, ये वाला जो लाल वाला गया अभी। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो सारी के सारी चीज़ें हैं ये आपको सही तरह ढंग से मिक्स कर देना है, ठीक है। और साथ में आपको ये वाला चीज़ भी मिलाना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर आपको देखें मसूर की दाल भी है थोड़ी बहुत, तो आपको इसको भी मिला लेना है इसके साथ, ठीक है। तो आप याद रखिए कि मैं उतना ज़्यादा अपने जो सीड मिक्स है उसको उतना ज़्यादा धोता नहीं हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं धो के देना चाहिए। बट धोने से क्या प्रॉब्लम होता है कि आप अगर कोई भी सीड मिक्स को ऐसे अगर सीड मिक्स को लो फिर उसको धो दो ना, तो ये पैकिंग के टाइम पे ना इसके ऊपर जो छिलका होता है तो उससे वो पेस्टिसाइड वाला वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं, ठीक है। एंड जो ड्राई पेस्टिसाइड होता है, जो परमिटेड पेस्टिसाइड होता है, परमिटेड पेस्टिसाइड 2, तो वो पैकिंग के पहले जो सीड क्लीनिंग होती है ना, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं कुसुम खुरतुम, एंड दैट सैपला, राइट। सो बाजरा, पर्ल मिलेट, पल्स, और उसके बाद यहाँ पे हो गया हम लोगों का व्हीट, ओके। सो अभी यहाँ पे मैंने अपना ट्रे, बिल्कुल जो फीडिंग ट्रे है देखो आप, ये बिल्कुल खाली है, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फूड, खाली कर दिया। अभी क्या करना है हम लोगों को, एक ट्रे लेना है जो फीडिंग ट्रे है, ऐसे करके हम लोग फीडिंग ट्रे उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। सो एंड आफ्टरवर्ड बस जितना तक वो ख़त्म करे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 किलो दाना फॉर 60 बर्ड्स, 1 किलो ऑफ ग्रेन एवरी डे यूज करता हूँ, ठीक है। इट्स फॉर 60 डेज, सो दैट्स इट। ये इतना ज़्यादा सिंपल होता है और कुछ नहीं होता है इसमें, बस हम लोगों को दाना देना होता है। देखिए तो आपको अच्छी, अगर देखो सारे के सारे बर्ड्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये ग्लॉसी भी रहता है, और यहाँ तक कि ये भी क्लीन भी रहता है। तो अभी इन लोगों का खाने का टाइम हो गया तो मैंने अपना खाना दे दिया उनको। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब देखेंगे ना, ये दीज आर फीडिंग राइट नाउ, तो इसके बाद ये बच्चों को खिलाएंगे। सो आपको क्या करना है, जो अब आप जब भी वेन एवर यू गेट इट, यू हैव टू गिव सम ऑयल सीड्स एंड सम स्मॉल काइंड ऑफ ग्रेन टू फीड देयर बेबीज, ताकि वो उनको चोक ना कर जाए, ठीक है। आई हैव सम अमेरिकन फैंटल एंड फिल बैग, तो इसमें अभी फिल बैग का जो है, दैट्स माई फिल बैग, तो अभी अंडे के ऊपर बैठा हुआ है, दैट्स कैपुचिनो, एंड लुक एट देम, ये वो ट्रीटेड बर्ड है जो हम लोगों ने
पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है अमेरिकन फेंटल, दिस इज ऑन वेस्ट, सारे के सारे बर्ड्स जो है ना अभी बहुत मज़े से खा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, छोटे वाले ग्रेन्स लेने हैं सर्दियों के टाइम पे, और ताकि वो बच्चों को रिगर्गेशन के हिसाब से खिला भी सके, ठीक है। और साथ में आपको ये भी ख्याल रखना है कि उनके दाना पानी है ना, द वाटर चेंज, यू हैव टू चेंज द वाटर एवरी डे, क्योंकि इन वाटर के बिना आप परिंदों को कभी भी ऐसे करके इस तरह के ग्लॉसी परिंदों को आप यहाँ पे रख नहीं सकते। आपको अगर पानी ना दिया हो तो आप भी तकलीफ महसूस करोगे, है ना। सो दिस इज आवर फार्म, और यहाँ पे हम लोगों का जो है ना, हम लोग जो करते हैं कि सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप के ब्रीड्स होते हैं, सारे के सारे अभी ब्रीडिंग मोड पे है, तो हम लोग इन बर्ड्स को ब्रीडिंग करवाते हैं और उसके बाद वी सेल देम। एंड यहाँ पे जो है हम आप लोगों को कंपटीशन ग्रेड के क्वालिटीज़ भी मिल जाएंगे। नाउ दे आर फीडिंग, एंड फीडिंग का जो वीडियो होता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर फॉर यू पिजन्स एवरी डे, एंड यू हैव टू क्लीन इट, ओके। अभी इनका खाना खाने के बाद मैं ये वाला रूम साफ कर दूंगा, ये बहुत गंदा हो चुका है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ओके फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग चलते हैं, बाय।